हेलो दोस्तों, और कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर आपके पास एंड्रॉयड टीवी है और आपका जो गूगल असिस्टेंस है वो काम नहीं कर रहा है, या आपके पास जो यूट्यूब चलाते हैं उसमें आपको टाइपिंग करना पड़ता है और आपके वॉइस सर्च काम नहीं कर रहा है, तो आप ये वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको बताऊँगा पूरा स्टेप बाई स्टेप कि आपके जो टीवी एंड्रॉयड टीवी है वो उसमें आप वॉइस कमांड कैसे दे सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आपको कहीं नहीं, आपके एंड्रॉयड टीवी को इस तरीके से चालू कर लेना है और उसमें वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। और ना भी करो तब भी आपका नहीं, आपको वाईफाई कनेक्ट करना ही होगा, क्योंकि जब आप वॉच कमांड दोगे तभी आपका गूगल असिस्टेंट काम करेगा जब उसमें नेट होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें जैसे आपके पास ऐसा रिमोट होगा, इसमें इसको होम का बटन दबा लेना है। होम का बटन दबाने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा आपकी एंड्रॉयड टीवी में। इसका होम का बटन दबाने के बाद आपको इस तरीके से आपको सेटिंग पर चले जाना है, जैसे नोटिफिकेशन है, वाईफाई है और सेटिंग है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको ओके का बटन दबा देना है बीच का। ओके का बटन दबाने के बाद आपको रिमोट एक्सेसरीज पर आ जाना है। रिमोट एक्सेसरीज पर आने के बाद आपको इस तरीके से ओके का बटन दबा देना है। ओके का बटन दबाने के बाद आपको ऐड सिक्योरिटी ऐसे सीरीज पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपका जो ब्लूटूथ है वो चालू हो जाएगा टीवी का, और रिमोट का भी ऑटोमेटिक ही पकड़ लेगा। जैसे कि ये मेरा मोबाइल का भी पकड़ा हुआ है अभी, और ये मेरा रिमोट का है टीवी, यानी जो बीटी वो ये वाले रिमोट का कनेक्ट है। तो ये रिमोट कनेक्ट है, तो मैं यहाँ से अभी वॉइस कमांड देता हूँ आपको। जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ, गूगल खोल लिया मैंने। हेलो गूगल, देखो मैंने इस तरीके से, मैं यहाँ हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? इस तरीके से आप अपने एंड्रॉयड टीवी में अपने रिमोट से वॉइस कमांड दे सकते हैं और भी सारा कुछ यहाँ से कर सकते हैं। तो आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ये रिमोट है, इस तरीके से आप बैठे बैठे यहाँ से कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ओके गूगल, इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।